वेलकम करिश्मा शेट्टी जी टू ऑल आवर चैनल्स एंड इट्स सो नाइस कि आपने हमें अपना समय दिया है. तो अपने बारे में कुछ बताइए करिश्मा जी, आप दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं सभी को और आप भी दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी को लेते हुए. स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा टर्म है, उसमें से मैं अकल साइंस को बिलोंग करती हूँ. स्पेसिफिकली टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सिग्नेचर एनालिसिस एंड मैनी मोर साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड पैरासाइकोलॉजिकल थेरेपीज. जैसे हम उतारे करते हैं, हम लोग क्लेंजिंग्स करते हैं, एनर्जाइजिंग करते हैं जगह की, क्रिस्टल थेरेपीज करते हैं, वी डील इन टू मेटाफर थेरेपीज, वी हैव अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट वी डू. सिर्फ एक चीज़ को बिलोंग नहीं करता है या बट आर रूट्स बिलोंग टू स्पिरिचुअलिटी. वी बिलीव इन कर्मा अ लॉट, वी बिलीव इन सेल्फ बिलीफ. हम मानते हैं कि किसी और पर विश्वास करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम खुद पर विश्वास करें. हम बार बार किसी को अप्रोच करते हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए. तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को भी यही प्रीच करती हूँ कि वो लोगों को अपने अंदर एक अलग विश्वास जगाए और उसके बाद में उनकी लाइफ जीने के लिए उनको तरीके सिखाए, ना कि वो हम पे निर्भर हो जाए. दे आर नॉट सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन अस, दे आर ओनली सपोज टू बी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट. और आप जो क्लेंजिंग करती हैं, आई हैव गॉट टू नो कि यू डू इट विद पर्ल्स एंड नमक से एंड बहुत अच्छी. इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग. जैसे कि आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, हमारे यहाँ पे बच्चों की नज़र तीखी मिर्ची और नमक से उतारा जाता है, लाल मिर्ची से. बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि बच्चों को तो मीठी नज़र भी लगती है, घर वालों की लगती है, मासी मासा चाचा चाची हर एक की. सो एंशिएंट वेदास में लिखा हुआ है कि आप बच्चों की नज़र सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा पानी और एक्चुअल वाइट फ्लावर्स से निकालें. और माँ को, सारी माओं को तो मंत्र नहीं आता, तो आप कुछ भी, माँ का इंटेंशन ही इतना स्ट्रांग होता है कि वो बच्चे की नज़र उतार कर फेंक सकती है. आप उसके ऊपर से 9 बार उतार लीजिए और फिर उसको फ्लश कर दीजिए, उसकी नज़र वहीं उतर जाएगी. पर ये चीज़ रोज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करेंगे, एक दिन शाम को करेंगे और बस उतना काफ़ी हो गया. आपको ये चीज़ रोज़ करनी है, एटलीस्ट बच्चा 3 साल का हो जाए तब तक. आप बचपन से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, तो अपने बारे में कुछ बताइए, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव. सो इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे साइकिक्स को बहुत ओपनली अप्रिशिएट नहीं किया जाता. जैसे कि अगर मैं किसी को ये बात कह दूँ कि आपके साथ ये होने वाला है, पहले तो वो बोलेंगे तुम्हें कैसे पता और ये बात तुम कैसे बता सकती हो. सो वो चीज़ को बहुत ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता. लेकिन अगर मेरी जगह कोई एक पंडित ये बात बोल दे तो हाँ, वो बात बहुत सीरियसली ली जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो उस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो उस पहनावे में है कि तुम उसकी बात मान लोगे. लेकिन मेरे साथ वैसी चीज़ें नहीं हुई हैं. आई हैव हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल. मेरी फैमिली, मेरा रूट सपोर्ट रही है इस फील्ड में. मेरे एंसेस्टर्स में सब लोग बहुत इंट्यूटिव है. ये पावर्स हमारे में खानदानी है, हम लोग ये बहुत जनरेशन से कर रहे हैं. बट प्रोफेशनली मैं अकेली हूँ जो करती हूँ ये चीज़ें, बट मेरे खानदान में हर इंसान बहुत इंट्यूटिव है. एंड ये पावर्स बहुत सेक्रेड है और बहुत नेक है. यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इट फॉर इल पर्पसेस. आई यूज़ इट ओनली एंड ओनली फॉर गुड रीजंस. तो आप पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स से कनेक्टेड रहती हैं. यस. तो वो वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत आप कुछ बताइए. पता है, वो दुनिया ही सबसे अलग है. बेसिकली वो लोग इतने लोगों के बीच उठते बैठते हैं, लेकिन उनका सच में तो कोई अपना नहीं होता. वो लोग रोज़ एक नया रोल प्ले कर रहे होते हैं, इतने बड़े पोजिशन पे होते हैं, एक अथॉरिटी होती है उनकी. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है दैट दे डू नॉट हैव समवन हु दे कैन रिलाय ऑन. सो दे रिक्वायर पीपल लाइक मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दे ट्रस्ट मी सोली बिकॉज आई डोंट गो अहेड एंड गिव आउट नेम्स. यू विल नेवर सी मी गोइंग अहेड एंड पुटिंग अप थिंग्स विद देम. सो दे नो वन थिंग दैट कोई अगर मेरे पास आ रहा है तो उनकी सारी बातें गुप्त है, सिर्फ मेरे पास है और किसी तक नहीं जाती वो बातें. सो सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास जो उनको मुझ पर है. दूसरा चीज़ है कि उनके रिजल्ट्स उनको इतने अमेजिंग मिले हैं कि मुझे पता है आज के तारीख में हर दूसरा इंसान मुझे जानता है, बिकॉज मेरा काम ही मेरा नाम बनाया है. ऐसा नहीं है कि आई हैव जस्ट गॉन अहेड एंड स्टार्टेड थिंग्स और मैं पब्लिसाइज करती हूँ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सोली मेरा काम ही मेरी पहचान रहा है. और वो लोग ऐसे पोजीशन पे कि वो लोग किसी के ऊपर भी भरोसा करके ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरा काम ऐसे चल रहा है. इट इज़ बिकॉज
वो लोग एक पोजीशन पे है, अगर वो लोग ये बातें बता भी दे तो उनकी पोजीशन अथॉरिटी टूट जाएगी। सो मैं उनको बहुत हेल्प करती हूँ अपलिफ्ट करने में, क्लेंस करने में, हवन करने में, खुद के अंदर एक अलग तरह का बिलीफ सिस्टम बनाने में। आपका एक स्टोर है जुहू पे? यस, इट्स नोन एज द मैजिकल टेम्पल्स, इट इज़ इन एसोसिएशन विथ थिया वर्मा एंड वी आर ऑल्सो गोइंग आउट एंड गिविंग आउट फ्रेंचाइजीज, बिकॉज वहाँ पर आपको हर दुनिया की हर चीज़ मिलेगी which is related to spirituality, which is related to yin-yang therapies, which is related to feng shui, which is related to vastu, which is related to chakra therapies, har tarah ke crystals milenge, you name it, aur wo har cheez aapko wahan milegi. Aur ye stores hum log duniya mein har jagah khol rahe hain, namely Singapore, Australia, UK, USA, Canada, we are opening up everywhere, slowly and steadily. New Zealand is still in the process and Dubai is yet to come, but these are the places where we've already started to put our bases. आपका सोशल कॉज से भी कनेक्टेड है मैंने सुना है, तो आप कुछ बताइए। द थिंग इज के पीपल फाइंड मी वेरी एक्सपेंसिव, उनको लगता है मैं बहुत चार्ज करती हूँ, आई चार्ज लैक्स ऑफ रुपीज, सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं एक साइड ऑफ द वर्ल्ड से आई एम अर्निंग, सो व्हाई नॉट गिव इट बैक टू द वर्ल्ड। सो वी हैव अनदर वेरी ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म नोन एज अलोहा हैप्पीनेस, जहाँ से हम जो भी कमाते हैं इट गोज फॉर ओनली सोशल कॉज एंड वी वर्क एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ओवर देयर, जहाँ पे कोर्सेज करना चाहे आप, मेडिटेशन करना चाहे, योगा करना चाहे, वो सारा पैसा हम इकट्ठा करके वी पुट इट टू अ थर्ड प्लेस जहाँ पे वो किसी के काम आ जाए। सो वो एक प्लेटफॉर्म है जो मेरी इट्स लाइक एसोसिएटेड विद माई ड्रीम, सो दैट्स वी आई एम गोना टेक माई ड्रीम फॉरवर्ड फ्रॉम अलोहा हैप्पीनेस। आपके ऑफिसेज इंटरनेशनल हैं, तो आप इंडिया से इंटरनेशनल भी जाते हुए दिख रही हैं हमें। इट आई हैव ऑलवेज बीन ट्रैवलिंग ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, बट या फॉर द लास्ट 3 years वी बीन सेटिंग अप ऑफिसेज ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, US और न्यूजीलैंड में सेट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड का जो स्पेस है वो अभी सेटअप हो रहा है, बाकी सब जगह और ऑफिसेज आर रेडी, यू कैन जस्ट गो देयर, वॉक इन एंड गेट योर कंसल्टेशन डन। आप ऑनलाइन हमें कंसल्ट कर सकते हैं, आप ईमेल पे कर सकते हैं, स्काइप पे कर सकते हैं, फेस टाइम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, यू कैन कंसल्ट अस फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड पॉसिबल। तो मैंने सुना है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, yes. और आप बताइए उनके बारे में। वो दैट वाज अ जर्नी जहाँ पे तंत्र को इतना बदनाम कर दिया गया है कि तंत्र इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देता है, या उसमें सिर्फ सेक्स करना होता है गुरु के साथ, या यू आर सपोज टू बी इन्वॉल्व विथ योर गुरु। सो आई गॉट इन टू इट टू मेक श्योर कि आई गेट पीपल आउट ऑफ इट। तंत्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जीज जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी तुमको। द रूट्स आर इन इंडिया बट पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब आर सो फॉन्ड ऑफ इट दैट इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल। सिर्फ हम वो डर को अपने अंदर से नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, अगर हमने कोई कर्म गलत किया तो हाँ डरना भी बनता है, बट तंत्र मेक्स यू सो बिग, सो यू मंगज दैट देर इज नो फियर इन साइड यू, यू जस्ट फियरलेस, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस इन योर लाइफ, बट यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। उसमें गुरु होता है। सो आई हैव 400 स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब, यू विल सी एटलीस्ट 100 कमिंग टू माई हाउस ऑन एवरी मंडे, यू कैन सी दैम प्रैक्टिकली देयर विथ मी। बाकी फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, बट मैं अपने स्टूडेंट्स खुद सिलेक्ट करती हूँ। मुझे किसी के साथ कोई कनेक्शन हो गया सो दे आर अ पार्ट ऑफ माई क्लाइंट, वरना इट्स नॉट देयर। आई ओनली एंड ओनली गो अहेड एंड चूज माई तांत्रिक स्टूडेंट्स बिकॉज दे सपोज टू बी वेरी वेरी पावरफुल एंड आई ट्रेन देम टू बी सो, दे लास्ट विद मी फॉर ईयर्स टुगेदर अंडर दैट ट्रेनिंग। जैसे आजकल बाबाओं का ये निकला हुआ है कि वो यू नो ये तंत्र में आते हैं, ये लिपस्टिक पहनते हैं और वो लाल जोड़ा पहनते हैं और बहुत कुछ बाबा बनती हैं या लेडीज़ बनती हैं जो ये गुरु बनती हैं, और बहुत गलत समाज में चल रहा है, तो उसके लिए पब्लिक के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे देखा है या मुझे थोड़ा बहुत भी जाना है तो मैं आपके साथ पार्टी करती हूँ, मैं आपके साथ बैठती हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह उठती बैठती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गुरु को सिर्फ उस देश में देखना ज़रूरी है। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं भी वही साड़ी पहनती हूँ, मैं भी उतना ही तैयार होती हूँ, बिकॉज वो मेरा दिन होता है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे से मिलने आए होते हैं। बट ऐसे ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो मत करो। मैं मानती हूँ कि तुम अगर सवाल नहीं करोगे, जानोगे नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तो उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तुम जो कर रहे हो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। You need to understand, जब NASA can believe in energies, I'm sure you can also. तुम नहीं believe करते तो just ask questions, तुम्हारे दिमाग में clarity होगी। लेकिन कोई भी बाबा या किसी भी गुरु को मानने से पहले पहले उसको समझो, उसकी ज़िंदगी देखो, उसकी ज़िंदगी अगर तुम अपना सकते हो तब उसको अपना गुरु बनाओ। कोई गुरु कहने से नहीं बनता, वो रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, ना कि कोई तुम्हें कहे नहीं मैं तुम्हारा गुरु मुझे मान लो।
ऐसा नहीं होता. यू हैव टू फॉलो द पर्सन, उसकी जिंदगी कैसी है देखनी, एंड देन यू आर सपोज्ड टू गो अहेड विद इट. इंडिया जैसे स्पिरिचुअल देश है हमारा, जो बहुत फॉलो करते हैं, भगवान में मानते हैं, मंत्रों में मानते हैं, तो आपका क्या मैसेज है फॉर नॉर्मल पब्लिक? सो मैं तो ये मानती हूँ कि मैं रिलीजियस बहुत नहीं हूँ, मैं बहुत ओवरली स्पिरिचुअल हूँ. हाँ, रिलीजन इज़ समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर इंडियन ट्रेडिशन, जहाँ पे गॉड गॉडेस आर एनर्जीज. अब तुम उसका जो भी नाम ले लो, तुम अल्लाह बोल लो, तुम जीसस बोल लो, शिव जी बोल लो, राम बोल लो, जो भी नाम लो, वो सब हमें एक ही दिशा ले जा रहा है. हम सब उसी यूनिवर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि हम किसी और तक जा रहे हैं. वट एवर यू नेम यू टेक, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ फोकस. आई बिलीव तुम जितने नाम स्मरण करोगे, उतनी तुम्हारी पावर बढ़ेगी, उतनी तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, और उतना ही तुम्हारा रास्ता आसान हो पाएगा. बट खुद की मेहनत के बिना कोई रिजल्ट नहीं आने वाले. So if you're believing in someone, know this one thing, that you're also supposed to do something, and only then will you get your results. Without going ahead and going and reaching to the water is not going to come to you when you're thirsty. You have to get that thing very straight and clear. Thank you, Karishma ji, aapka samay dene ke liye. Thank you. Shukriya. Very nice having you all. Thank you.